क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी पोल्ट्री बर्ड्स में रिपोर्ट नहीं हुई है, और इसलिए मैं एक अपनी तरफ से महकमे की तरफ से क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों का लोग इस तरह से कंज्यूम करते थे नॉन वेजिटेरियन लोग, वो वैसे ही उसको कंज्यूम करते रहे। एक्चुअली हमारा एक महकमे की तरफ से एक हमारा ये मैंडेट रहता है कि हम रूटीन सैंपलिंग करवाते हैं, ताकि इन केस अगर ऐसा कोई आउटब्रेक हो तो उस आउटब्रेक को हम इमीडिएटली कंट्रोल कर लें। ऐसे हमने अपने प्रोविंस से तीन डिस्ट्रिक्ट्स उधमपुर रियासी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का सैंपल्स जो थे वो हमने भेजे थे फॉर सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग के लिए। तो उसमें से जो स्ट्रेन हमें रिपोर्ट हुआ है H9N2, लेकिन वो जो स्ट्रेन है वो टोटली नॉन पैथोजेनिक है, ए वायरुलेंट है, ए जोनोटिक है। कहने का मतलब कि वो हार्मफुल नहीं है और ना ही वो पोल्ट्री से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होता है। मैम फर्दर अभी तो ऐसा कोई आउटब्रेक है नहीं है, ना इस वक्त एवियन इन्फ्लुएंजा ने जम्मू में कोई ऐसा एंट्री उसकी हुई है, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर हम सारे डिस्ट्रिक्ट में इशू करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू टेकल विद दिस एवियन इन्फ्लुएंजा। और लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ खतरा नहीं है। क्या कुछ प्रिकॉशन मैं ये जरूर कहूंगी कि पोल्ट्री और प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री को जो लोग ग्रो करते हैं वो उनका हाइजीन और हाइजीनिक कंडीशंस उनकी मेंटेन करें, और जो पोल्ट्री को कंज्यूम करते हैं वो प्रॉपरली पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली कुक करें और फिर उसको कंज्यूम करें।